तो हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है तारक और इसका नाम है वीवो Y12A। आज की इस वीडियो में इसका पबजी टेस्ट करेंगे और आपको इसका जो गेम प्ले है वो भी दिखाएंगे, और जो इसका मतलब टेम्परेचर है वो भी नोट करेंगे कि गेम प्ले एक गेम प्ले के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ होता है, और जो बैटरी है वो भी देखेंगे कि गेम प्ले के बाद जो बैटरी है वो कितनी कम होती है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हाँ भाई, करूँ शुरू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिवाइस का टेम्परेचर है वो चेक कर लेते हैं कि अभी जो डिवाइस का टेम्परेचर है वो कितना है। सो जो डिवाइस का टेम्परेचर है वो 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बैटरी है ना वो राउंड अबाउट 49% है। सो गेम को स्टार्ट करते हैं, और फिर एक गेम प्ले करने के बाद आपको बैटरी टाइमिंग, बैटरी और जो टेम्परेचर है वो मैं आपको चेक करवा दूंगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ता है और जो बैटरी है वो कितनी कम होती है। सो इसमें आपको एक अल्ट्रा गेमिंग के नाम से ऑप्शन मिलता है, उसे आप ऑन करोगे ना, इस तरह ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसे आप ऑन करोगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, ई स्पोर्ट मोड ऑन कर सकते हैं, और जो ब्राइटनेस है उसे भी लॉक कर सकते हैं, और जो ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले मतलब आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो भी जाएगी तो आप गेम प्ले कर सकते हैं। सो मतलब ऑफ स्क्रीन पर आप गेम प्ले तो नहीं कर सकते, बट जो स्क्रीन है वो ऑफ भी हो जाएगी तो आपकी गेम है वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। सो जो इसमें प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 439 439 है, जो 12 NM पर बेस्ड प्रोसेसर है। सो पहले हम इसमें ग्राफिक्स चेक करेंगे कि इसमें आपको ग्राफिक्स कौन सी देखने को मिलती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो आपको स्मूथ पर मीडियम और बैलेंस पर मीडियम देखने को मिलती हैं, और HD अवेलेबल नहीं है। सो स्मूथ और मीडियम पर हम गेम प्ले करेंगे। सो एक एरिना ट्रेनिंग खेलते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। सो एक गेम खेलने के बाद जो मतलब बैटरी है ना वो 48% हुई है, और जो टेम्परेचर है डिवाइस का वो मतलब 40.4%, और राउंड अबाउट 2% जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बैटरी है वो 1% कम हुई है। और जो गेम प्ले है ना पहला स्मूथ था, मतलब 20 FPS पर जो भी चलता है उसके हिसाब से तो स्मूथ ही था। और ग्राफिक्स की बात करें तो खासी ग्राफिक्स तो थी नहीं, मतलब आपको स्मूथ पर कौन सी ग्राफिक्स मिलने वाली हैं। सो जो लैग था ना वो कोई इतना ऐसा सच लैग देखने को नहीं मिला। और दूसरा गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि जो बैटरी है वो कितनी कम होती है और जो टेम्परेचर है मज़ीद कितना पड़ता है। सो ये जो है ना वो दूसरा गेम प्ले है, और जो मतलब ग्राफिक्स इतनी खास नहीं है जो आपको इतना, और जो FPS है ना वो भी इतने खास नहीं आ रहे, और जो गेम है ना वो इतनी स्मूथ नहीं चल रही, मतलब जो सीन है उसे लोड होने में टाइम लगता है। Blue team has scored for the first time!
अभी जो है ना वो डिवाइस लाइक लैग हो रहा है डिवाइस में, शायद डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए जो लैग है वो मुझे फील हो रहा है। लाइक अभी जो है ना डिवाइस ज़्यादा ही लैग कर रही है, आप देख भी सकते हैं। ये जो गेम है हम जीत चुके हैं, और जो मतलब MVP तो नहीं बना, और जो मेरे किल है ना वो 10 हैं। अभी जो देख दूसरा गेम प्ले करने के बाद जो डिवाइस की बैटरी है ना वो 46% हो चुकी है, मतलब इस बार जो डिवाइस की जो बैटरी है वो राउंड अबाउट 3% कम हुई है। जो फर्स्ट गेम प्ले था उसमें आपको 1% रिंक डिक्रीज देखने को मिला था, अभी जो डिवाइस का टेम्परेचर है ना वो लाइक 41.6 हो चुका है, और ये जो आप देख रहे हो ना ये यार पसीना है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसी के लिए आपने वीडियो को लाइक कर देना है। एंड में बात कर लेते हैं कि वीवो Y12A आपको गेमिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं। क्लियर आंसर है, आपको ये मोबाइल स्पेशली गेमिंग के लिए नहीं लेना चाहिए। गेमिंग के लिए इसी प्राइस रेंज में आपको अच्छी मतलब अच्छी चॉइसेस देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राउंड अबाउट जो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है ना वो आपको गेमिंग के लिए बेस्ट फ़ोन है। अगर आप 21,000 मतलब 20,000 या 22,000 की रेंज में गेमिंग करना चाहते हैं, स्पेशली गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, तो जो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है ना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें जो प्रोसेसर है वो G80 प्रोसेसर है, और जो इसकी प्राइस है ऑनलाइन वो 22,200 रुपये है, और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ख़रीदोगे तो ये आपको 20,500 से 21,000 रुपये में मिल जाएगा, जो आप गेमिंग को अच्छा संभाल लेगा, मतलब 22,000 या 20,000 की रेंज में गेमिंग को अच्छा संभाल लेगा। और इसका जो कैमरा है ना वो भी 48 मेगापिक्सल है, तो कैमरा की साइड पर भी आपको इससे आगे ही मिलेगा। और जो वेरिएंट है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वो 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है। अगर आपके पास थोड़ा और ज़्यादा पैसे हैं तो आप इन्फिनिक्स नोट 10 की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें आपको जो प्रोसेसर है वो G85 देखने को मिलता है, और जो इसकी प्राइस है ना वो 25,000, मतलब अभी जो प्राइस है इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब जो फ्लैश सेल चल रही है उसमें है, तो मोबाइल अभी नहीं आया, आज के दिन 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। अगर आपके पास जो बजट है वो मतलब 25,000 मतलब 23,000 या 24,000 है, तो आप नोट 10 को कंसिडर कर सकते हैं, वो भी गेमिंग के लिए अच्छी डिवाइस है, वो आपको 6GB और 128GB में देखने को मिल जाएगा। ये था वीवो Y12A का जो गेमिंग रिव्यू है ना वो। आज की इस वीडियो में यही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।